जो DPR है वो बनाई जानी चाहिए ताकि जो विकासात्मक कार्य है वो पूरे किए जाने चाहिए। देखिए, जो आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी कंट्रडिक्शन अपनी स्टेटमेंट में, खुद मान रहे हैं जब अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि DPR में जो डिले है उसको जल्दी से पूरा किया जाए, तो विपक्ष के विधायकों की भी यही मांग रही है, उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया है कि जितनी हमारी प्राथमिकताएं रही पिछले 2 सालों में वो आगे नहीं बढ़ पाई, उनकी आज तक DPR नहीं बनी। अब आप बताइए कि कोई भी विधायक अपनी 3 चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी देता है सरकार को कि मेरी ये प्रायोरिटी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, चाहे वो IPH की है चाहे वो रोड्स की है, तो उसको प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर विधायकों द्वारा दी गई प्राथमिकता वाले काम भी अभी तक नहीं बढ़े आगे, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि प्रदेश में विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। यही कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही और प्रदेश की जनता ने भी इस बात को माना है। बाय इलेक्शंस में जो मत, लोगों का जो मत आया वो साफ तौर पर ये बताता है कि प्रदेश की सरकार 4 सालों में विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाई। ये पहली बार देखने को मिला है जब से हिमाचल बना है कि 4 सालों में नए प्रोजेक्ट्स, नई स्कीमें पूरी तरह से रुकी हुई। ये जो सरकार कर रही है, जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं वर्चुअल कर रहे हैं, ये जो पट्टिकाएं लटकाई जा रही, ये पिछली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की थी उन योजनाओं को आगे बढ़ा रही। तो ये हमारी जो विधायकों ने जो बात उठाई है विपक्ष ने, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि हमारी नई, आप जो प्राथमिकताएं पूछ रहे हो उसका क्या महत्व रहेगा जो हमारी पुरानी प्राथमिकताएं अभी तक आगे नहीं बढ़ी। जी, इसके अलावा सर उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व की सरकार है 5 साल में जो विधायक प्राथमिकता के काम उन्होंने नहीं किए, जितने प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 4 साल में रहकर करा है। ये केवल क्लेम करते हैं मुख्यमंत्री, इसमें वास्तविकता नहीं है। ये साफ तौर पे आप किसी भी विधायक से बात कर लें कि जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनकी अभी तक DPR नहीं बनी, जिस चीज की DPR तैयार नहीं हुई तो आप बताइए लोगों तक वो चीज कैसे पहुंचेगी। तो अपने आप में ये मिसाल है जयराम जी की सरकार की कि ये बार बार अपने, जितने भी आप देखें पिछले 2-3 सालों में, बार बार अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी डांटते हैं कि आप स्पीड अप करें, काम को बढ़ाएं, उसका साफ तौर पे इनको भी फीडबैक आ रहा है कि सरकार अपनी जो पकड़ है ब्यूरोक्रेसी पे और ऑफिसर्स पे वो सरकार की बहुत कमज़ोर है, जिसकी कारण जो है विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पिछड़ रहा है। नरेशवान जी, विकास की अगर बात कर रहे हैं और लगातार महंगाई भी बढ़ रही है और इसके चलते उपचुनाव में भी जो लोगों को काफ़ी त्रस्त है और फिर से सीमेंट के दाम बढ़े हैं, क्या कहना है आपको कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता और यहीं पे दाम लगातार बढ़ते हैं वो भी खासतौर सीमेंट पे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस प्रकार से महंगाई को सरकार, चाहे हिमाचल की हो या भारत सरकार हो, महंगाई पे किसी की कोई पकड़ नहीं रही। और कल ही जो जिस प्रकार से सीमेंट के दाम हिमाचल प्रदेश में बढ़े, और ये पहली बार नहीं बढ़े, निरंतर हर साल बढ़ते रहते, और सरकार बोलती है हम इसको देखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करते, ये पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है सबको। और हिमाचल प्रदेश में ही सीमेंट फैक्ट्रीज है और सबसे महंगा सीमेंट हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो महंगाई अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, या आपने जैसे बात की कि अब लोगों ने घर बनाने हैं, निर्माण का कार्य है, हर चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। और ना केवल सीमेंट नहीं, स्टील की बात करें, दूसरे जितने भी निर्माण सामग्री हैं वो अपने आप में 30-40% इंक्रीज हो चुका है। तो लोगों को सरकार से उम्मीद भी नहीं है, ये सरकार कुछ करने वाली है। अब आने वाला समय है, 6-8 महीने का समय हिमाचल में बचा है और इसी वजह से लोगों का मन है कि सरकार को चलता करे। तो इसी कल जो कल हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि ये जो महंगाई बढ़ी है, जो कोरोना में जो नुकसान हुआ है, आर्थिकी जो हमारी कम हुई है, इसकी वजह से ये फर्क पड़ा है, अगर क्या कहना है? देखिए, ऐसे लोग विज, जैसे आपने जिक्र किया कि कोई विज साहब, वो बहुत बार ऐसे बयान देते हैं, कई बार उनके बयान देखता हूँ। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को, अपने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जब कोरोना है, बुरा वक्त है, तो सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है ये सरकार का काम है, इसीलिए जनता सरकार बनाती है और ये सरकार का दायित्व होता है कि अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए काम करे। तो ये लॉजिकल नहीं है स्टेटमेंट, ये मुझे नहीं लगता है कौन है ये वेज साहब जो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं। जी, इसके अलावा सर ये भी देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ भी है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बात अगर की जाए 108-102 अनुबंध कर्मचारियों की, वो भी काफ़ी लंबे अरसों से अपनी मांग प्रदेश सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन नया जो कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनी के साथ हुआ है, तकरीबन 250 जो ऐसे कर्मचारी है जिन्हें शिफ्ट नहीं किया गया है नई कंपनी के साथ, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से 250 के करीब लोग जो सेवाएँ अपनी पिछले 10 साल से वो 108 और 102 में जो एम्बुलेंसेज है उसमें दे रहे थे,
ड्राइवर के तौर पे या फार्मासिस्ट के तौर पे 10 साल तक उन लोगों ने सेवा की और 10 साल के बाद उनका क्या फ्यूचर रहा? उनको निकाल दिया गया, अब वो अपने परिवार को अपने बच्चों को कहाँ से पाले? अब उनके साथ तो भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ। तो ये सारी कमजोरियाँ सरकार की है, वो बार बार इस बात पे मुद्दे पे अपनी मांग रखते रहे, सरकार ने समय रहते इस पे फैसला नहीं लिया। अब आप किसी एम्प्लॉय को 10 साल बाद बोलें कि आप जाइए आपकी छुट्टी कर देंगे, वो कहाँ जाएगा? उसका परिवार, उसके बच्चे, वो कैसे पलेंगे? ये सरकार की सारी कमजोरियां हैं कि सरकार समय रहते जो है सही फैसले, सही नीतियां नहीं बना पा रही। दूसरा, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बंदिशें लगा दी गई है, जो धार्मिक जो कार्यक्रम है या सोशल जो कार्यक्रम है वो बंद कर दिया है, पर राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, कोरोना क्राइसिस बढ़े हैं, हिमाचल में भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और ये बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी को भी, सरकार को भी मेरा निवेदन है कि इस पे गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। बंदिशें केवल बोलने से नहीं होती कि हमने बोल दिया बंदिशें लग गई, उसको इम्प्लीमेंट करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर सरकार अपने ही कार्यक्रम वर्चुअल नहीं करती है, खुद कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसका एक गलत संदेश लोगों के बीच जाता है। तो मुख्यमंत्री जी को भी, सरकार को, अगर आप एक तरफ करते हो कि स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है और एम्प्लॉयज़ 50% आ रहे हैं, वीकेंड का आप छुट्टी कर रहे हैं, तो उसका क्या महत्व रह जाता है अगर आप कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाते, अगर उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करते? तो एक मिसाल पैदा करनी चाहिए सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि अपने सारे कार्यक्रमों को छोटा करना चाहिए और वर्चुअल ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए।